चार साल पहले कर्नाटक में जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो शायद उन्हें ये बिल्कुल नहीं आइडिया होगा कि आने वाले समय में बात उनकी सांसदी छीनने तक आ जाएगी। राहुल गांधी का सरनेम मोदी पर बोलना आज उन पर बहुत भारी पड़ गया है। अब आप कहेंगे भला उन्होंने ऐसा क्या कहा होगा जो राहुल गांधी पर हंगामा मचा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी हम इस रिपोर्ट में देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके बयानों के चलते भुगतान के तौर पर 6 साल चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया जा सकता है। कुल हिसाब भी लगाए तो ये बढ़कर 8 साल भी हो सकती है। अब यहाँ कोर्ट के फैसले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर आई इस मुसीबत और विपक्षी पार्टियों के हंगामे पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल HCN न्यूज में और मैं हूँ आप सभी के साथ रंजना उपाध्याय। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी रैली में कह रहे थे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था, जहां राहुल गांधी के इस बयान को लेकर मानहानि के मामले में उन्हें पिछले दिनों ही सूरत कोर्ट से दोषी करार दिया गया। गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा भी सुनाई, जहां राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। लेकिन अब राहुल गांधी पर फिर से एक बहुत बड़ी गाज गिरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दी है। हालांकि पिछले दिन सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस खेमे में पहले से ही बौखलाहट नजर आ रही थी। अब इस बीच अन्य विपक्षी पार्टियां भी राहुल का गुणगान करने लगे और हर बार की तरह इस बार भी कानूनी प्रक्रिया पर मोदी सरकार के हाथ होने का आरोप मढ़ा। यूथ कांग्रेस ने तो हद पार कर दी, उन्होंने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की। ऐसे में इस पूरे मामले में राहुल गांधी को इन 2 दिनों में 2 बड़े-बड़े झटके लगे। सबसे पहले मानहानि केस में 2 साल की सजा और इसके बाद आज लोकसभा जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन के जरिए राहुल गांधी के वायनाड से सांसदी रद्द कर दी गई। हालांकि उससे पहले संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों के सांसदों की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस ने विजय चौक तक मार्च भी निकाला। हालांकि इन सब में राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद भाजपा एक बार फिर से हमलावर हुई है। पार्टी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लगातार ओबीसी समुदाय के सरनेम का मजाक बनाते रहे हैं। उन्होंने दूसरे देश जाकर भारत का अपमान भी किया। वो संसद का अपमान कर रहे हैं, ओबीसी समुदाय को अपमानित करते हैं और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का फैसला जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक हुई, जिसके आधार पर कहा गया कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य भी होते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है और वहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के पक्ष में फैसला नहीं आता और मामले में ऊपरी अदालत से भी उन्हें राहत नहीं दी जाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुल 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में फिलहाल ये कानूनी प्रकरण एक सियासी मुद्दा बन गया है, जहां लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से फैसले का सम्मान करती नहीं दिखती। वहीं अब आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन पर उतर आए और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की भी खबरें सामने आई, जबकि बीजेपी भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही HCN न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।